सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छी तरह सुलझा लेंगे और एक पोनीटेल बना लेंगे मीडियम हाइट पर। आप सोच रहे हैं ये पोनीटेल थोड़ी सी टेढ़ी है, ये जानबूझकर टेढ़ी की गई है क्योंकि अगर हम फ्लावर से हम डेकोरेट करेंगे जब इसको, तो ये जो बन है वो इक्वल दिखाई देगा, आगे आपको दिख जाएगा। पहले कमेंट करना शुरू मत किए दीजिएगा। उसके बाद हम ये डोनट लेंगे, डोनट को बीच में से ही डिवाइड कर लेंगे और ये टू होल हो जाएंगे इसके अंदर। फिर अपनी पोनीटेल को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत इजीली होगा, धीरे धीरे नीट एंड क्लीन तरीके से काम करिएगा तो जो आपका रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। फिर हम इस जो दोनों होल हैं उसमें से पोनीटेल में जो हमने डिवाइड करे थे उसे एक एक कर इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, और सारे बालों को एक तरफा ले जाएंगे इस तरीके से, और फिर एक और रबर बैंड से इन बालों को सिक्योर कर देंगे। बहुत ही कम पिन का यूज़ होगा इसमें, ओनली दो ही पिनों का यूज़ करूँगी मैं और हमारा जो बन है वो तैयार हो जाएगा। फिर जो ये बचे हुए बाल हैं इसके एकदम लास्ट में भी हम एक रबर बैंड लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद जो छोटे अगर बाल बच जाते हैं उनको हम अंदर की साइड टक करेंगे और इसे हम टर्न कर देंगे, और फिर जो रबर बैंड वाला हिस्सा है उसको भी हम अंदर की साइड मोड़ लेंगे। अच्छी तरह देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से बनाना है। फिर बालों को अच्छी तरह डोनट पर बिखेर लेना है जिससे डोनट विजिबल ना हो। उसके बाद एक हम यू पिन लेंगे और इसे डोनट और जो हमारे स्कैल्प के बाल हैं उसमें हम टक कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, टस का मस नहीं होगा। आप चाहे नाचिए, कूदिए, पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, कहीं भी जाइए, 12-13 घंटे ये हेयर स्टाइल कहीं नहीं जाएगी और बहुत ईजिली बन जाएगी। फिर हम अपनी कोई भी फेवरेट हेयर एक्सेसरीज के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं रोज़ फ्लावर जो है यूज़ कर रही हूँ, ये आर्टिफिशियल है, ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, ये 30 रुपीस ईच है फ्रेंड्स। ये 40+ एज के लिए बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है, वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है।